40 साल बाद दोहराया गया इतिहास, फिर रची गई साजिश। क्या G20 के दौरान कनाडा का बहिष्कार करेगा भारत? होने वाला है बड़ा पंगा। हफ्ते भर में कनाडा ने भारत पर किया दूसरा हमला। क्यों कनाडा पर इतना खिसियाया भारत? भारत चलाने वाला है डिप्लोमेसी का सबसे अचूक अस्त्र। क्यों इतना गुस्से में आया भारत? भारत ने उठाया ऐसा हथियार जिससे खौफ खाते हैं अमेरिका और चीन। खत्म हो जाएगा कनाडा। भारत के कदम को नहीं थाम पाएगा कनाडा। नहीं है औकात, अभी से निकल गई सारी हेकड़ी। भारत का ये कदम कनाडा को धरती पर लौटने के लिए मजबूर कर देगा। दोस्तों, वो नज़ारा देखने लायक होगा जिस समय बाहुबली भारत की धरती पर अब तक की सबसे बड़ी बैठक होगी। ऐसे में भारत के इस पवित्र यज्ञ में कनाडा ने मिट्टी का तेल फेंकने की कोशिश की है, यज्ञ को भंग करने की कोशिश की गई है। एक तरफ पुतिन ने भारत आने से मना कर दिया, जो कि भारत के लिए बहुत ही बड़ा झटका था। उसके बाद जिनपिंग ने भी आने से मना कर दिया। उसके बाद कनाडा ने यूक्रेन को लेकर भारत पर हमला किया। ये सब घटनाएं बता रही हैं कि भारत के G20 पर ग्रहण लग चुका है। ऐसे में आज फिर से कनाडा ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसको देखकर भारत के हाथ पांव सुन पड़ चुके हैं। अब सवाल उठता है कि क्या कनाडा के इस खास फैसले से भारत के खिलाफ जंग का आगाज कर दिया है? क्या सच में कनाडा ने भारत से दुश्मनी ठान ली है? ये उसकी दुश्मनी की ऑफिशियल शुरुआत है। कैसे कनाडा ने दबाई भारत की दुखती रग? कैसे भारत का नुकसान करवाने के चक्कर में अपने ही पैर पर जेसीबी चला बैठा बेवकूफ कनाडा? इसके साथ जानेंगे कि कनाडा के दो बड़े हमलों के बाद भारत ने क्या कुछ खास प्लान बनाया है इस दुश्मन के लिए। कैसे भारत के सरप्राइज से कनाडा के चारों खाने चित होने वाले हैं? ऐसी सजा भुगतने जा रहा है चीन जिसका उसको अंदाजा भी नहीं। आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, खालिस्तानियों को लेकर कनाडा भारत के साथ डबल गेम खेलने में लगा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कनाडा जिस तरह से भारत विरोधी अभियानों को खुलेआम समर्थन दे रहा है, उसने भारत और कनाडा के बीच के संबंधों को खराब करना शुरू कर दिया। वोट बैंक पॉलिटिक्स ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को अपांग बनाकर रख दिया है, और यही वजह है कि उनकी सरकार खालिस्तानियों के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय उन्हें शह दिए जा रही है। खुद को बड़ा लोकतंत्र बताने वाला कनाडा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र से इसलिए भी चिढ़ता है क्योंकि भारत उसके झूठे ढकोसलों को उजागर करता है। भारत दुनिया को बता देता है कि ये कनाडा डेमोक्रेसी के नाम पर दुनिया के साथ स्कैम कर रहा है। बस इसी जलन में अभी चंद दिनों पहले भारत का G20 खराब करने के लिए कनाडा ने एक बड़ा कदम उठा लिया। इसके बारे में आपने न्यूज़ में जरूर सुना होगा कि जस्टिन ट्रूडो ने जेलेंस्की से बातचीत की, और इस दौरान उन्होंने कहा कि वो सुनिश्चित करेंगे कि वो यूक्रेन की समस्याओं को लेकर G20 के मंच पर बात करें। यानी अब कनाडा यूक्रेन का रायता फैलाने भारत आ रहा है। इसके अलावा ये कोशिश भी की जाएगी कि कैसे G20 जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक आर्थिक मंच से अनुपस्थिति के बावजूद दुनिया यूक्रेन के साथ खड़ी रहे। ऐसे में भारत ने यूक्रेन को न्योता ना देकर जो रोकना चाहा, अब कनाडा वही करने जा रहा है। दरअसल यूक्रेन चाहता था कि G20 सम्मेलन में उसे हिस्सा लेने और दुनिया भर के ताकतवर देशों के प्रतिनिधियों को संबोधित करने का मौका मिले। इसके लिए कई बार उसने भारत से गुहार लगाई, लेकिन अचानक भारत ने यूक्रेन को ना बुलाकर सिर्फ यूक्रेन को बल्कि पूरे यूरोप को तगड़ा घसीटा है। भारत ने जेलेंस्की को इसलिए नहीं बुलाया कि उसने हर जगह अपने भाषण में रूस के खिलाफ जहर उगला है। ऐसे में अब भारत में आकर रूस के खिलाफ सबको इकट्ठा करना चाहता है। और जब भारत ने यूक्रेन को नहीं बुलाया, तब कनाडा ने ही ठान लिया कि भारत के G20 में रायता फैलाकर ही दम लेगा। ये तो था कनाडा का पहला कदम जिसे भारत किसी न किसी तरह संभाल ही लेगा। लेकिन अब दूसरे कदम को जान लीजिए जो भारत के हाथ पांव सुन कर रहा है। उसके बाद जानिएगा कि भारत ने कनाडा के स्वागत में माइंस बिछा रखी हैं, जिससे भारत की धरती पर कदम रखते ही कनाडा के चारों खाने चित हो जाएंगे। देखिए, जब कनाडा का एक हमले के बाद पेट नहीं भरा तो उसने दूसरा हमला करने की ठान ली। जी हाँ, कनाडा ने भारत पर बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। अचानक G20 के पहले कनाडा ने भारत के साथ व्यापार वार्ता FTA पर अचानक रोक लगा दी। फाइनेंशियल पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक खुद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व वाली सरकार के अनुरोध पर पिछले महीने व्यापार वार्ता रोक दी गई। ये भारत के खिलाफ लिया गया बहुत ही बड़ा फैसला है। ये फैसला भारत के खिलाफ दुश्मनी शुरू करने का पहला कदम है। भारत और कनाडा दोनों साल 2010 से ही एक व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं, जब भारत में कांग्रेस सरकार सत्ता में थी। लेकिन कनाडा की ओर से अचानक लिया गया फैसला ऐसे समय आया है जब कनाडा में खालिस्तानी आंदोलन के बढ़ने के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हो चुके हैं। अब आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि कनाडा भारत के खिलाफ क्यों काम कर रहा है, क्यों वो भारत से इतनी बड़ी दुश्मनी ठान ले रहा है। लेकिन उसके पहले कनाडा के लिए भारत की खास व्यवस्था को देख लेते हैं।
आपको बता दें कि यूक्रेन पर भारत के इस कदम से जस्टिन ट्रूडो को बहुत दर्द हुआ, क्योंकि किसी के भी दुख में इन्हीं को सबसे ज्यादा दर्द होता है। और अब ये भारत की व्यवस्था खराब करने चले हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि भारत ने इनकी भी तगड़ी व्यवस्था कर रखी है। भारत कनाडा के ऊपर डिप्लोमेसी का सबसे अचूक और घातक अस्त्र चलाने वाला है। देखिए, कनाडा भारत को लेकर हमेशा विरोधी रहा, इससे भारत को कनाडा पर दबाव बनाना जरूरी हो गया था। तो भारत ने अपनी योजना के मुताबिक कनाडा को भरी सभा में घेरने का निर्णय लिया। जब ऐसे माहौल में जहां दुनिया के सबसे ताकतवर देश इकट्ठा हुए, वहां का माहौल अलग होगा। इस माहौल में तो भारत का भौकाल है ही, और इस भौकाल में कनाडा को अपनी बात समझाना आसान हो जाएगा। ऐसा करते हुए भारत अपनी बात भी मनवा लेगा और ट्रूडो इस माहौल में अपनी मनमानी भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि भरी सभा में ट्रूडो से हामी भरवा लेना भारत की बहुत बड़ी जीत होगी, और इसके लिए इससे अच्छा और मौका नहीं हो सकता। विश्वास मानिए, ये कदम कनाडा को धरती पर लौटाने के लिए मजबूर कर देगा। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की सरकार है, जिसने फ्रीडम ऑफ स्पीच और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की बात करते हुए हमेशा से खालिस्तानियों को शह दी है। कनाडा में खालिस्तानियों के फलने फूलने में ट्रूडो सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए वोट बैंक पॉलिटिक्स काफी अहम है। कनाडा में रहने वाले सिख समुदाय का एक बड़ा हिस्सा जस्टिन ट्रूडो की पार्टी को समर्थन देता है, लिहाजा खालिस्तानियों के खिलाफ एक्शन लेकर प्रधानमंत्री ट्रूडो अपने वोट बैंक को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। लिहाजा वो खालिस्तान को अंदर ही अंदर समर्थन देते हैं, और भारत विरोधी तत्वों के लिए कनाडा एक सुरक्षित माहौल उत्पन्न करता है। ये वही जस्टिन ट्रूडो है जिन्होंने पिछले साल ट्रक ड्राइवरों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को अपने सैनिकों के जरिए कुचल दिया था। लेकिन इन्हें भारत के मानवाधिकार जैसे मामलों की बहुत चिंता रहती है। ये ट्रूडो सरकार का दोगलापन ही है कि फ्रीडम के नाम पर ये भारत विरोधियों को पनाह दे रहे हैं, और भारत की तरफ से साफ शब्दों में कह दिया गया है कि अगर खालिस्तानियों को गुपचुप समर्थन दिया गया तो दोनों देशों के रिश्ते खराब हो जाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी इस वक्त संसद में अल्पमत की सरकार चला रही है, जिसे समर्थन दे रखा है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने, जिसके अध्यक्ष है जगमीत सिंह, जो एक सिख हैं। लिहाजा सरकार बचाने के लिए जस्टिन ट्रूडो भारत विरोधी भावनाओं को बर्दाश्त करते हैं। माना जाता है कि जगमीत सिंह खुद भी खालिस्तानी समर्थक हैं। जैसे रिश्ते अभी भारत कनाडा के हैं, ठीक ऐसे ही आज से 40 साल पहले इंदिरा जी की सरकार में थे, तब कनाडा में ट्रूडो के पापा पीएम थे। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।